जी वेलकम है तुम लोगों का एमएसडी द थाला की करियर मोड पे। तो साउथ अफ्रीका टूर चल रहा है और ये ओडीआई मैच है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भैया कमेंट में बताना तुम लोग नेक्स्ट किसका करियर मोड देखना चाहते हो, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जिसका भी देखना है कमेंट में बताना। और अपन लोग कीपिंग करेंगे, सबसे बड़ी बात बे मजे आने वाले है, लेट्स गो। और तुम्हें धोनी के लंबे वाले बाल दिख रहे होंगे, सेवन थाला फॉर अ रीजन, लेट्स गो। जसप्रीत बुमराह करवा रहा है, एक दो ओवर फील्डिंग करेंगे अपन। ओ भाई मैं कीपिंग कर सकता हूँ और पहली ही बॉल पे विकेट भाई, बूम बूम बुमराह ओपन द चैट दोस्तों। लाइक मैं पहली बार क्रिकेट 24 में कीपिंग करने वाला हूँ भाई, मजे आएगा। लेट्स सी मेरे पे एक दो बॉलें आती है फिर नहीं आती है। ओ लीव और बढ़िया 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 भाई, मजा आ रहा है, लेट्स गो, फील ही अलग है कीपिंग का। तो सो जो अभी स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे तो और मजे आएंगे कीपिंग करने में, मतलब मजे ही आने वाले हैं भाई। गो शॉट, स्पिनर्स आ चुका है कुलदीप यादव, लेट्स गो भाई। अभी क्या पता मेरे को स्टंपिंग करने का मौका मिल जाए। वैसे वो लोग 92 पे 5 हो चुके हैं, पता नहीं बैटिंग आएगी नहीं आएगी धोनी की, क्योंकि काफी नीचे खेलेंगे ना हम लोग तो। ओके भाई मेरे हाथों पे थे, मेरे हाथों पे। नाइस, बढ़िया 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 या भाई, कीपिंग करने में मजा आ रहा है यार। अरे यार कमेंट पे थाला फॉर अ रीजन हो जाए भाई, बस कमेंट ही करते रहो। और ये स्टंपिंग ऐसे करूंगा मैं अगर मौका मिलेगा तो, मतलब कतई स्पैम कर दो थाला फॉर अ रीजन। ओके हाथों पे थे मेरे, नाइस नाइस नाइस। और अरे ओ हो जाती है, गलती हो जाती है दोस्तों। अरुण जेटली स्टेडियम पे मैच हो रहा है वैसे ये, और बढ़िया बॉलिंग। स्टेप आउट करना, मेरे को स्टंप करना है यार, ये स्टेप आउट ही नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है। बीच में आता है भाई, एक स्टंपिंग तो बनती है भाई धोनी से, कम ऑन लेट्स गो। ओ नहीं यार, थोड़ा आगे का बॉल था ये, लेट्स गो कुलदीप यादव। ओ नाइस, साइड में लेवल अलग ही है भाई। ओके नाइस, मेरे हाथों में, मेरे हाथों में, नाइस। फिर ऐसे डंडे उड़ाएगा मैं। स्टेप आउट कर भाई जोनाथन। ओके नहीं कर रहा है भाई, वो उसका मूड ही नहीं है पता नहीं स्टेप आउट करने का, बिल्कुल भी नहीं है। तो बैट गा चुके हैं भाई, मतलब मूवमेंट है भाई, ये चेस करना है हमको। देख रहे हो तुम लोग 10,000 कुछ रन, हमको 36 रन चाहिए और बहुत सारे ओवर है, तो बुलाते हैं भाई। वैसे धोनी से नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है। ओके सिंगल हो जाएगा एक्चुअली, तेज भागना पड़ेगा, रनआउट नहीं करवाना है भाई। हियर वी गो, पहला बॉल और क्या बात है, बच गए हम लोग, एक्चुअली दो हो जाएंगे। फिनिशिंग ऑफ स्टाइल सोचा था बट ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही है। धोनी जैसा खेलना चाहिए एक्चुअली, कि थोड़ा सा डीप ले जाते हैं मैच को, लाइक ऑलरेडी हम लोग जीत चुके बट स्टिल थोड़ा सा और डीप। ये फर्स्ट स्टॉप दिए बॉस, ये वाइड नहीं थी क्या? एक तो ये साउथ अफ्रीका की नई टीम है भाई। ओके बढ़िया, पांच, क्या ड्राइव किया है भाई धोनी ने, चार रन। ओपी शॉट, ओपी शॉट, देखो मिडिल ऑफ द बैट, लाइक जिस पोजीशन पे हम लोग खेल ले रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो, खासकर मैच फिनिश करने के लिए। लाइक बढ़िया पंच, दो हो जाएंगे ना, ओ एक्चुअली चौका हो जाएगा यार ये, नाइस। एक और बढ़िया पंच करके चार रन, लेट्स गो। केशव महाराज करवा रहा है, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे, सिंगल। यहाँ पे से तो मैं जीता ही दूंगा यार, ओह इतना दुखी लग रहा है ये भाई। देखो कुछ भी हो, धोनी सर जैसा खेलना इतना इजी नहीं होने वाला है, अभी तो कम रन है, ज्यादा ओवर है, इसलिए हम लोग डीप भी ले जा सकते हैं। कोशिश तो मैं पूरा करूंगा, जैसे धोनी सर खेलते थे वैसे ही खेलूं। ओके ये पंच करेंगे, लेट्स गो। हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएंगे भाई, गुस्सा हो गया भाई धोनी सर को, गंभीर रह रहा, कुछ भी हो सकता है सर। हार्दिक स्ट्राइक पे, 21 रन और चेस मैच में, बट काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पे। क्या ये सिक्स होगा, क्या ये सिक्स है, नहीं बाउंड्री, और एक सिक्स तो वादा है भाई एस धोनी, बट काफी अच्छा शॉट था मैं कवर्स के ऊपर से भाई। अगर मैं सिक्स से मैच खत्म कर देता हूँ ना, मजे ही आ जाएंगे वैसे। ऐसे ये वाइट बॉल है, सिंगल लेते हैं इस बॉल पे। ओके तीन रन चाहिए बस जीतने के लिए, मेरे को सिक्स मार के फिनिश करना है तो, बट वो हो ना पाया। देखो लास्ट बॉल बची है, तीन रन चाहिए 73 बॉलों पे, लाइक मैं चाहता हूँ इसी बॉल पे खत्म करूँ। ठीक है स्ट्राइक रख लेंगे अपने पास, स्ट्राइक रखते हैं भाई, स्ट्राइक रखेंगे। लगता है तुम्हें सिक्स से फिनिश होगा मैच, शॉट चौका हो जाएगा आई थिंक। भागना तो नहीं चाहता था बट ठीक है, चलो सिक्स से नहीं हो पाया पर बाउंड्री से दो भाई फिनिश, बढ़िया फिनिश यहाँ पे। पहला मैच पे 5 विकेट से इंडिया जीत चुकी है। लेकिन ओडीआई मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चालू हो चुका है, एक तीन मैच चुके ओडीआई सीरीज है, एक अपन ऑलरेडी जीत चुके हैं। आई होप साउथ अफ्रीका इस वाले में अच्छा खेले, मतलब थोड़े बहुत तो रन बनाने चाहिए उन्हें। ओ रोहित शर्मा मेरे बगल में है और ये नो बॉल, वाह कितना एपिक सीन है, एक लेजेंड बॉलिंग कर रहा है, एक लेजेंड कीपिंग कर रहा है, एक लेजेंड उसके बगल में स्लिप पे खड़ा है भाई, ओपी, लेट्स गो। ओ ये फ्री हिट थे एक्चुअली तो कैच कर, ओ मेरे को उससे एंड कीपिंग एंड पे जाना पड़ेगा ना भाई इस वाले मैच पे कितना। ओ बाउंसर और नाइस, बुमराह को दे देंगे हम लोग बॉल, बढ़िया एकदम। रोहित को नहीं दे सकता यार मैं, वरना और मजे आ जाते, काफी रियलिस्टिक फील आता फिर। ओ मैंने एसएस का बैट करा था बट ये ठीक है। ओके मैंने एसएस का बैट सिलेक्ट किया था बट ठीक है भाई, पता नहीं क्या गड़बड़ हो चुकी है और हालत भी थोड़ी खराब हो चुकी है तुम लोग देखो तो। अभी हमको 108 रन चाहिए जीतने के लिए और सिर्फ
पांच विकेट बचे हैं भाई अपने पास, केएल राहुल खेल रहा है अपने साथ, लाइक बैट वाला ग्लिच तो हुआ ही है और अपनी हालत भी खराब हो चुकी है। यहाँ से अपने को जिताना पड़ेगा टीम इंडिया को, जो एमएसडी करते ही है भाई। लेट्स गो। आते ही काफी अच्छा पंच किया है यहाँ पे और चार रन मिल जाएंगे एक्स्ट्रा कवर्स पे। यहाँ से कुछ 105 या फिर कुछ रन चाहिए अपने को जीतने के लिए। और केएल राहुल अपने साथ खेल रहा है, ये नो बॉल है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके नो बॉल है ये, फ्री हिट, लेट्स गो लेट्स गो। ओके मैं स्टेप आउट करके मारने वाला हूँ। आ स्टेप आउट से डाल दी, फाइट होगी नहीं, हमको एस धोनी खेलना है भाई, एस चैंप नहीं खेलना है ये, तो आराम से खेलेंगे बिना रिस्क के लिए। वैसे केएल राहुल काफी अच्छा खेल रहा है, 41 रन बना के, 28 ओवर ही चालू है तो काफी टाइम है अपने पास, तो इजी इजी। पहला बॉल काफी अच्छा डालता है इसने, नाइस। यहाँ पे पंच उगी होगी, ओ बढ़िया फील्डिंग, दो तो हो जाएंगे। धोनी से तेज कौन भाग सकता है यार, इजी टू। कितना डीप जाएगा ये मैच, ओके नाइस। एक और सेम जगह पे खेला है ये भी, हाँ ये भी दुग्गी होगी, दुग्गी सोच रहा था बट नहीं, वो फील्डर आ गया वहाँ पे जल्दी। एमएसडी प्ले लाइक दिस बे, आते ही सिंगल डबल तेज तेज और फिर एंड मोमेंट पे हिटिंग, वही कर रहा हूँ मैं। रिक्वायर्ड रन रेट भी 4 कुछ का है, तो एक चौका आ जाएगा ओवर पे, यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट आ जाएगा जो इस ओवर पे भी आ चुका है। काफी अच्छा कट किया है यहाँ पे बैकफुट से और चार रन। तुम लोग अपने फेवरेट शॉट बताना इस वाले एपिसोड से एमएसडी के, तो या लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन भाई, बताओ। ओ बाय द वे केएल राहुल की 50 हो चुके हैं भाई, मैंने मिस कर दी। व्हाइट बॉल होनी चाहिए, काफी ज्यादा बाउंसर्स ट्राई कर रहा है ये व्हाइट बॉल। अरे यार थैंक यू तुम लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक मैं चाहता हूँ तुम लोग और सपोर्ट करो भाई मेरे को। ओके बढ़िया, नहीं सिंगल नहीं होगा क्योंकि मेरे को डाइव नहीं मारनी है, एस धोनी खेलूंगा मैं, बिल्कुल भी डाइव नहीं मारूंगा, तो सिंगल का रिस्क नहीं लेंगे। 70K के बहुत क्लोज है हम लोग, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाओ यार उसे, तोड़ो फोड़ो जो करना है करो, बस कर दो जल्दी से 70K। तुम लोग अपने सजेशन दे सकते हो, तुम्हें क्या देखना है, किसका करियर मोड नेक्स्ट देखना है, नहीं सिंगल नहीं होगा, दैट्स अ गुड डिसीजन, अच्छा हुआ नहीं लिया मैंने। लेट मी नो तुम्हें क्या देखना है, तुम लोग और क्या देखना चाहते हो, कभी बैटर्स ऑलराउंडर्स बॉलर्स वाला भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोग वैसे बता सकते हो उसमें किस किस को लेना है। लाइक शॉट मारा है भाई केएल राहुल ने, कैसे मारा उसको आते ही, शॉट भाई क्या कनेक्ट हुआ है, ये सिक्स होने वाला है एमएचडी के इस करियर मोड का पहला सिक्स, लेट्स गो। वो भी केशव महाराज को मजेदार शॉट था भाई ये। साउथ अफ्रीका के इस वाले टूर में अभी दो T20 भी हैं, तो काफी मजा आने वाले हैं, धोनी को मार रहा है भाई केशव महाराज, अंगा लेना चाहता है क्या ये, 51 रन और चाहिए क्या, एमएसडी की 50 हो सकती है। ओ भाई मैंने वो अपर कट ट्राई किया बट नहीं हुआ भाई, वो किसी ने मेरे को बोला था ये कि वो अपर कट मारता है बट नहीं मार रहा भाई वो, मेरे को कुछ और बताना अगर ट्राई करना है तो, लाइक अभी तो ओके कट करने के चक्कर में हो गया, लाइक किसी ने तो बोला था मेरे से वो शॉट ट्राई करना है, मैंने ट्राई किया ब्रो, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, और गलत लाइन पे मार दिया मैंने, आउट तो नहीं होगा, दे दिया, व्हाट द हेक भाई, तो नहीं लग रहा है भाई मैं आउट हूँ, लाइक काफी ज्यादा डाउन द लेग लग रही है, तो मैं चैलेंज करने वाला हूँ, लेट्स गो। और एमएसडी चैलेंज कर रहा है मतलब नो मैं आउट, बिल्कुल पिच इन लाइन है बट आई डोंट थिंक सो, ये अंपायर्स कॉल इंपैक्ट ठीक है, विकेट्स बोला ना मैंने, एमएचडी के करियर मोड में एक भी DRS गलत नहीं होगा भाई, बच गए अपन, चेंज करेगा अंपायर अपना डिसीजन अब, भाई यही तो करवाता है एमएचडी और क्या। किस ओवर से एक भी रन नहीं आया और एक और बाउंसर, ये तो आईडी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल डालेगा क्या बाउंसर, शॉर्ट बॉल भाई ये तो ऊपर से जा रही है कवर्स के, चौका और 50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे केएल राहुल के साथ, बहुत परेशान कर दिया वैसे इसने इस ओवर में, टाई तो बनती है बट ये थोड़ा गड़बड़ वाला शॉट था बट बच गए अपन, कैच आउट नहीं हुआ लगता है तुम्हें, एमएचडी की 50 कर पाऊंगा मैं। ओके ये तो बाहर जा रही है बॉल, लाइक बहुत ही प्यारा शॉट है, रन करके मारा है यार ये कवर्स के ऊपर से, लाइक कवर्स के ऊपर से जो भी शॉट जाता है ना मेरे तो फेवरेट्स होते हैं वो, लाइक मेरे को धोनी सर की 50 करनी है भाई, कुछ भी हो जाए ओके, ज्यादा डीप तो नहीं ले जा सकते अपन बट हाँ भाई आराम से खेलना पड़ेगा, वैसे कवर्स आ गया इसका ठीक है, बढ़िया शॉट बढ़िया फील्डिंग, चलो भाई फिर से पैरों पे, नहीं पास बॉल है ओके सिंगल हो जाएगा, 7 इस ओवर से, थाला फॉर अ रीजन हिमसेल्फ, 32 पे पहुंच चुके हैं और बढ़िया शॉट गैप पे गया है, चौका मिल जाएगा, टाइमिंग भाड़ पे गई दोस्तों, गैप पे जाना चाहिए, 4 रन, 44 रन और चाहिए यहाँ पे, तो 50 के क्लोज तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच जिताना है भाई, तभी तो फिनिशर बन पाएंगे हम लोग, वन ऑफ द बेस्ट शॉट, स्ट्रेट ड्राइव लाइक सिंगल, हाँ इजी है शॉट, द क्लोज वन आउट है केएल राहुल, नहीं बच गया, दो हो जाएंगे, क्विक वन, काफी ज्यादा तेज होने वाला है ये, केएल राहुल तो डाइव मार सकता है बट मेरी वीडियो है विदाउट रन आउट कैसे जाएगी भाई, गुड इनिंग बाय केएल राहुल बट रन आउट डोपी, ओ 34 रन चाहिए 76 बॉलों पे, लाइक
भाई विकेट नहीं है अपने पास, तो जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा, वो भी स्टाइल पे। 6 रन दोस्तों, अब एक सिंगल ले लेना चाहिए। लाइक गैप पे गया ये, अच्छा ड्राइव मारा है, चौका भाई, टाइमिंग ओपी, और यहाँ पे फर्स्ट 50 और ऑफ एमएस धोनी इन करियर मोड। 54 चाहिए अब। काफी तेज बॉल भाई, स्ट्राइक अपने पास रख गया क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 4 ही विकेट बचे हैं और अब तो धोनी के हाथों में है जो भी। एमएसडी ऑन स्ट्राइक, शॉर्ट गैप पे, स्क्वायर लेग पे मारा है ये वाला। बढ़िया फील्डिंग, नहीं सिंगल है, काफी अच्छी फील्डिंग पे बाउंड्री रोक दी अर्दुल ठाकुर। इसी बात कर रहा था मैं, कुछ भी हो सकता है भाई, 4 ही विकेट तो है। और मेरे को अपर कट वाला शॉट दोबारा ट्राई करना है, बट ये बाउंस शॉट डाली इसने और नहीं मारता है भाई, ये नहीं मारता है अपर कट। लाइक तो बहुत डिफिकल्ट है मारना, और ऊपर से ये अपर कट मार भी नहीं रहा है, के चक्कर में मैच नहीं आ सकते, तो मैच जिताना जरूरी है इस खूबसूरत शॉट के साथ। 6 रन, 14 रन बचे हैं, एक बाउंड्री तो आ चुकी है इस ओवर की, सिंगल ले लेते हैं भाई, आउट नहीं होना है यार, बात नहीं पड़ेगी डाइव। अर्दुल ठाकुर 2 बॉले बची हैं, खेल ले आराम से। ड्राइव करना ज्यादा अच्छा रहेगा बैकफुट से, पंच ही करो इससे अच्छा। दुगी नहीं, सिंगल है। 8 ही रन चाहिए, कूल एंड कामनेस से फिनिश करते हैं। लाइक काफी अच्छा शॉट, आई थिंक ये 6 होने वाला है बिल्कुल, मे बी। क्या उसने चौका है? ओ, 6 ही है लाइक सीधे डायरेक्ट बाउंड्री पे पड़ा है वो। ओके, क्या फिनिशिंग स्टाइल हो पाएगा यार, इन्होंने फील्डर उस साइड लगवा दिए, बट चौके से फिनिश, बट ठीक है भाई, मैच तो फिनिश किया, वो भी एमएस धोनी ने, काफी सही। एक और बढ़िया फिनिश, इंडिया 1/4 विकेट। क्या मैन ऑफ द मैच मिलेगा वैसे? मोहम्मद सिराज को मिला है मैन ऑफ द मैच, बढ़िया मैच विनिंग इनिंग 72 रन की। तीसरा ODI मैच है फाइनल, क्या हम लोग 3-0 हरा पाएंगे? लेकिन उससे पहले बैट चेंज करना है, SS का रखना है। ओके, बैटिंग आ चुकी है, दोबारा से हम लोग चेज ही कर रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है भाई। लाइक अपने को 93 रन बनाने हैं 66 बॉलों पे। श्रेयस अय्यर खेल रहा है वैसे अभी 61 रन बना के, जो अच्छी बात है। ओके, सिंगल हो जाएगा, बट काफी क्विक होने वाला है ये। ओके, हो गया। तेज भी खेलना है अपने को, मतलब तेज तो खेलना ही पड़ेगा अगर अपने को ये रन चेज करना है तो, और ये मैच थोड़ा डीप तो जाएगा। अच्छी भाई, अभी चेज होता है या नहीं होता है? वैसे बाउंसर डालेगा, ठीक है, शॉर्ट बॉल डाली, कट किया। नहीं, सिंगल नहीं होगा। 2 बॉल खेल चुका हूँ मैं, अकाउंट नहीं खुला है। ओके, इस बॉल पे हो जाएगा, लाइक फ्लिक किया है हल्के हाथों से यार, हाँ खाता भी खुल गया। बैटिंग स्कोर कार्ड देखना है तो ये है, लाइक गिल के 42, विराट कोहली के 32 और केएल राहुल के 45। यहाँ से एक और विकेट तो और खतरनाक हो जाएगा मैच, बट क्या शॉट मारा है भाई श्रेयस अय्यर ने, 1 बाउंस 4 रन, 2 फुल टॉस दिए और बढ़िया शॉट। धोनी और श्रेयस अय्यर की 50 रन की पार्टनरशिप, फिर गेम अपना है भाई। ओके, ये थोड़ा बाउंसर डाली थी, उठाया तो है बट मेरे को लग रहा है कैच आउट। ओके, नहीं हुआ भाई, घटिया फील्डिंग या फिर जो भी हुआ है अभी, उसकी वजह से 4 रन मिला और बच गए अपन। लाइक काफी ऊंची गई थी भाई ये बॉल, आई थिंक उसी की वजह से वो कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है भाई, थोड़ा आराम से तो खेलना ही पड़ेगा अपने को। ओके, अंदर आई इसकी बॉल, काफी ज्यादा नहीं घूम रही है ये, बाउंड्री तो आ चुकी है, अब सिंगल ढूंढना है तमीज से। ओके नाइस, बढ़िया, आई थिंक 2 होंगे, नहीं 1 ही होगा। 71, 54 बॉलों पे वाइट बॉल, लग तो नहीं रही है फर्स्ट ऑफ। ठीक है, अब मेरे को भी थोड़ा स्ट्राइक करना पड़ेगा, 7 बॉल खेल चुका हूँ मैं, 1-2 बाउंड्री तो बनती है भाई। शॉट, आई थिंक पहली बाउंड्री आ चुकी है, लाइक बढ़िया एक्स्ट्रा कवर उसके ऊपर से 4 रन। लाइक एक बाउंड्री हर ओवर में काम हो जाएगा अपना। बाउंड्री से 67 पे आ चुके हैं सीधे, फुल कर रहा है भाई, लेट्स गो, 6 रन। खूबसूरत पुल था भाई ये, बढ़िया पुल शॉट, 116 मीटर का 6 था भाई वो, काफी लंबा, लाइक काफी लंबा। अब 61 रन चाहिए। ओके, काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, अपर कट टाइप का, लाइक बैकफुट से ऐसे उठाया है, टेनिस वाला शॉट, और 4 रन यहाँ पे कवर्स पे। काफी बड़ा ओवर बन चुका है ऑलरेडी, तो सिंगल लेना तो था मेरे को, बट ठीक है, कवर्स के हाथों पे चले गया सीधे। श्रेयस अय्यर भी काफी अच्छा खेल रहा है, 70, ओ रिवर्स स्विच हिट भाई, काफी सही है। अपन पता नहीं मार नहीं पाते हैं यार ये सब शॉट, मेरे को भी खेलना है, बट इस गेम पे हो ही नहीं पाता है मेरे से, पता नहीं क्यों। वैसे बाउंड्री मेरे को ही माननी पड़ेगी क्या पहले? बिल्कुल भाई, एक बाउंड्री तो चाहिए ही ओवर में, और 6 आ जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। थाला फॉर रीजन हो चुका है, 2 बॉलों पे 7 रन, लेट्स गो भाई, बढ़िया शॉट था ये वाला, पिकअप शॉट था ये वाला, 119 मीटर का 6 था। अब वैसे सिंगल तो आ चुका है, मतलब 4 बाउंड्री आ चुकी है, तो सिंगल डबल ही करना है ओपी, बढ़िया। यही तो गेम है भाई एमएसडी का, एक बाउंड्री और फिर सिंगल डबल, गेम को थोड़ा लंबा ले जाओ नीचे, हो सकती है यहाँ से 23 रन और चाहिए मेरे को। वैसे शॉट एक और यहाँ पे तो स्क्वायर लग के वापे को मारा है, ये बाउंड्री हो जाएगी, नाइस। हल्का सा गैप था उस एरिया पे, फायदा उठाया उसका, काफी अच्छा फ्लेक शॉट, स्क्वायर लेग भी ऊपर ही रखा था उन्होंने। आज बॉल है, भाई ये काफी घुमा है बॉल, लाइक मेरे को लगा था सीधा आएगा मतलब लेग साइड को, बट तो ना घूम के ऐसे ऐसे, पता नहीं भाई क्या बॉल था। ओवर की भी पहली बाउंड्री मेरे को ही माननी पड़ेगी, बिल्कुल भाई, बाउंसर और पीछे स्क्वायर लेग ना हो तो जरूर मारूंगा, 4 रन, नाइस।
इस वाली इनिंग पे बढ़िया पुल शॉट लगे हैं भाई, लाइक लेग साइड पे काफी रन बने हैं इस वाली इनिंग पे। ये वाली इनिंग काफी तेज भी है भाई, 17 बॉलों पे 35 रन, लाइक बहुत ही तेज। हो जाता है कभी कभी गड़बड़ शॉट भी। 38 बॉलों पे 38 रन चाहिए, इस ओवर से 6 रन आ चुके हैं। लाइक पुल शॉट यहाँ पे श्रेयस अय्यर का सिंगल हो जाएगा। मेरे को फंसाने के लिए इन्होंने पूरी स्क्वायर लेग पे ही रखा है फील्ड, बट बहुत स्मार्ट है भाई। ऊपर से मारेंगे अपन और 4 रन से फिनिश करेंगे इस ओवर को। मेरी 50 होगी या फिर श्रेयस अय्यर की सेंचुरी, लाइक दोनों हो सकती है। वैसे भी 33 रन चाहिए और शॉट है भाई ये, मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर की सेंचुरी हो जाएगी भाई। क्या पता मेरी 50 ना हो, मतलब MSD की 50 ना हो, बट सी भाइयों क्या होता है। फ्यूचर तो मैंने नहीं देखा है, बट मेरे को लग रहा है श्रेयस अय्यर ओ एज लग के भाई बाउंड्री मिल लिया है भाई को। यार मेरा तो एज पक्का कैच ही जाता, बट श्रेयस अय्यर का लक ऑन अ पीक चल रहा है यार। क्या लगता है इस बॉल पे भी बाउंड्री मारेगा भाई? बढ़िया टैप किया इसने, सिंगल हो जाएगा। अपने को 10 रन चाहिए, श्रेयस अय्यर को 11, दो का काम हो सकता है। बस थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। 2 बॉलें बची हैं, शॉट आई थिंक ये 6 है, काफी अच्छा टाइम हुआ है। बिल्कुल 6 रन, लास्ट बॉल है, सिंगल ले लेते हैं। हो भी गया, ओवर बचे, लेकिन उससे पहले ही खत्म करना है अपने को ये मैच। ओह बढ़िया फुल लेंथ, ओके आई थिंक सिंगल ही होगा। बस लेट हो गया, मैं मिड विकेट के ऊपर से मारना था। श्रेयस अय्यर ऑन स्ट्राइक, 16 रन चाहिए। और भाई क्या घुमाया है भाई ने यार, 5 लेग पे 4 रन यहाँ पे। कई श्रेयस अय्यर खत्म ही नहीं करते मैच, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। क्या ये 6 होगा? नहीं, 1 बाउंस 4 रन। बिल्कुल भाई इसकी सेंचुरी तो हो रही है भाई, वो तो हो रही है। लाइक MSD की भी 50 हो जाती श्रेयस अय्यर, इतने रन बचा देना थोड़े से। बाउंसर अच्छा पुल किया है, क्या ये चौका हो रहा है? और नहीं चौका नहीं होगा, बट 2 तो इजीली हो ही जाएंगे। श्रेयस अय्यर 99, लाइक सिंगल ले ले भाई। ओके वही किया उसने, ओ व्हाट भाई भाई 99 पे आउट हो गया वो। लक हो तो ऐसा हो भाई, लाइक यही शॉट उसने पहले मारा था और बाउंड्री मिली थी और इस बार फंस गया वो फाइन लेग के हाथों पे शॉट ले गया। ओके गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे श्रेयस अय्यर कहां से आ गया, ये 289 पे कैसे पहुंच गए तू? बेसिकली भाई वो श्रेयस अय्यर लाइट, बेसिकली लाइट चली गई थी। और क्या कर रहा है ये? ओ अच्छा मैच स्ट्राइक पे हो, ओके ओके ओके, मैं तो भूल गया था भाई, अभी लग गए थे मेरे को, मेरे को लगा श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पे। ओके हाँ, तो 17 रन चाहिए अपने को वैसे अभी जीतने के लिए। और हाँ वही लाइट चली गई थी तो वहां तक का डाटा ना सेव नहीं हो पाया, तो श्रेयस अय्यर आउट नहीं हुआ है। अभी मौका है उसके बाद दोबारा से सेंचुरी करने का, बट कहीं मैं आउट ना करवा दूं उसको। ओ भाई काफी क्लोज, लाइक मैं यहाँ पे धोनी सर की 50 कर रहा हूँ और उसके बाद श्रेयस अय्यर अपनी सेंचुरी कर ले यार, लेट्स गो। लाइक काफी अच्छा यहाँ पे रोका है सिंगल, लाइक बैक टू बैक 250, वो भी चेज पे और ये क्रिटिकल चेज पे, लाइक 192 के स्ट्राइक रेट से है ये। नाउ अब मैं तुम्हें दोनों वर्जन दिखा रहा हूँ, लेट्स सी श्रेयस अय्यर को दूसरे मौके पे क्या वो सेंचुरी कर पाएगा। ओके 14 रन चाहिए, 2 बॉलें बची हैं। ओ भाई ये कैसे बचाया बोल्ड होने से मेरे को नहीं पता वे, लाइक कैसे भाई इतनी बची है बस। लास्ट बॉल है, सिंगल लेगा? नहीं चौका मारा है इसने, तो अपने को इसको स्ट्राइक देनी पड़ेगी आई थिंक। और ये वैगन व्हील, लाइक चारों तरफ ही रन है। मेरा काम है सिंगल लो और श्रेयस अय्यर को मौका दो उसकी सेंचुरी करने का दोबारा से। ओके ठीक है भाई, बाउंसर को तो मैं अभी कहीं नहीं मार सकता, अगर वो टॉप एज भी लग गया तो चौका ही हो जाएगा। व्हाइट बॉल, अब 9 रन बचे बस। क्या श्रेयस अय्यर की 50 सेंचुरी हो रही है, अपील नहीं की भाई उन्होंने, क्या वो आउट नहीं था, उन्होंने अपील नहीं करी, लाइक बिग लाइंस बिग आई बिग आई बिग आई। टी डाउन द लेग जा रही थी क्या? विकेट मिसिंग, ठीक है सिंगल के चक्कर में कहीं बै आउट ना हो जाऊं। ओके ठीक है यहाँ पे आ जाएगा सिंगल, लाइक सिंगल ही होना चाहिए। ओ भाई ये कुछ ज्यादा अच्छा ड्राइव नहीं हो गया, ठीक है सिंगल ही होगा। ऑल ऑन श्रेयस अय्यर, उसको सेंचुरी चाहिए, क्या चाहिए, लाइक शॉट मारा है और क्या मारा है भाई, 6 रन, बिल्कुल 6 रन होगा, मेरे को लगा कहीं पकड़ डाले वो, बट ठीक है ऊपर ही से गया। अगेन श्रेयस अय्यर और 99, क्या इस बार उसकी सेंचुरी हो रही है? ओके हो रही है आई थिंक, बिल्कुल हो रही है। और उसने मैच भी स्टाइल पे फिनिश किया है विद अ 6 और काफी बढ़िया इनिंग यहाँ पे श्रेयस अय्यर की, लेट्स गो चौके के साथ, सॉरी नॉट विद अ 6। हियर वी आर अगेन, वन बाय 5 विकेट्स, ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर। ओडीआई सीरीज हम लोग जीत चुके हैं, मैं गलती से स्किप कर दिया यार वो ट्रॉफी वाला सेशन, बट कोई ना अभी T20 वाला जीतेंगे अपन। ओके पहला T20 मैच खत्म हो चुका है, रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, लाइक बैटिंग का मौका ही नहीं मिला भाई। एक 158 उन्होंने बनाए, 159 बना दिए, लाइक इजी चेजिंग। एक ना ग्लिच हो रखा है, मैंने पिछले मैच में भी ट्राई किया था, एक्चुअली उसमें क्या किया था मैंने, प्ले एज इंडिया किया था, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैं एज MS धोनी पर्टिकुलर नहीं खेल पा रहा था, तो पता नहीं ये क्यों ग्लिच हो रखा है मेरे को नहीं पता। बेसिकली हम लोग व्हाइट जर्सी पे खेलने वाले हैं, इसीलिए ऋषभ पंत भी कैप्टन है भाई, ग्लिच ओपी भाई ऑन पीक। ओके इंडिया की पहली बैटिंग है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं भाई। बहुत अजीब लग रहा है यार ये व्हाइट जर्सी, आई नो, बट
क्या कर सकते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं। स्किप करेंगे, लेट्स सी मेरी बैटिंग आएगी। ओके नहीं आई भाई, नहीं आई। ये मैच भी खत्म हो गया। लाइक रोहित शर्मा को अगेन मैन ऑफ द मैच मिला है। ओके बैक टू बैक दो T20 पे मैन ऑफ द मैच भाई, लेकिन इन रियल तो रिटायर ही हो चुके हैं रोहित और कोहली। एंड वी वॉन द T20 सीरीज इन वाइट जर्सी भाई, क्या बात है, क्या ही बात है, ये बात है वे, लेट्स गो। ओके दिस इज एपिक, लाइक दिस इज एपिक। बट हाँ, मेरे को पता था T20 पे मौका नहीं मिलेगा अपने को, इतना नीचे खेलेंगे तो। ओके तो इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप तुम्हें भाई मजा आया होगा MHD के करियर मोड पे। लाइक तीन बढ़िया फिनिश दिखाया मैंने तुम्हें, और अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक मारना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर तुम लोग चाहते हो उसका पार्ट 2 आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आएगा। और वैसे भी अगला टूर है वैसे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो बताना। और वैसे तुम लोग मेरे करियर मोड देख सकते हो जाके, इधर पे दिख रहा होगा कहीं पर ही तुम्हें, तो या जाओ और देखो।